जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सभी को पता है एसटीटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम अपने चैनल पर 50 नंबर की तैयारी आप लोगों के सभी के सामने करा रहे थे जनरल पेपर का, जिसके संदर्भ में हमने बहुत सारे वीडियो शिक्षण कला का, रीजनिंग का भी बना चुका है। आज का जो वीडियो है वो सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भूगोल के बारे में, और भूगोल में हमारा सोलर सिस्टम चैप्टर है। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सोलर सिस्टम के पूरे थ्योरी को और उसके बाद में उससे संबंधित प्रश्न को भी हम कवर किए हैं। अर्थात ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन सोलर सिस्टम से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसमें से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इसीलिए पूरे वीडियो को आप देख लीजिएगा, और उससे संबंधित थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों हम एक ही वीडियो में करा दिए हैं। और निश्चित रूप से स्टेट में अगर जहां पर भूगोल पूछा जाए और उसमें सोलर सिस्टम से क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। आज हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखना है, चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो सोलर सिस्टम का ये जो है, हम कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर को कंप्लीट आपको करा रहे हैं जहाँ से अधिकांशतः सवाल पूछने की संभावना है एसटीटी री एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जैसे चित्र में इसमें बनाया गया है। देखिए यहाँ पर सूर्य है, और सूर्य के बाद में बुध, ठीक है, उसके बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मतलब कि सूर्य के साथ में अगर बात करें तो हमारे जो सौरमंडल का जो मुखिया होता है, सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है, ठीक है। और उस परिवार में 8 सदस्य होते हैं, जो हमारा एक ग्रह है, ठीक है। इसीलिए ग्रहों की संख्या टोटल है 8, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। और उस सौरमंडल का जो सोलर सिस्टम का जो पूरा मुखिया होता है वो कौन होता है? सूर्य होता है। मतलब समझिए कि एक परिवार है, और उस परिवार का जो मुखिया है, ठीक है, हेड है, वह है सूर्य, और उसके जो सदस्य लोग हैं वह है कुल मिलाकर कितने? 8। ऐसे पहले 9 थे, लेकिन प्लूटो को अब जो है ग्रह की श्रेणियों से निकाल करके बौने ग्रह की श्रेणियों में रख दिया गया है। तो वर्तमान में जो हमारा ग्रहों की कुल संख्या है वो कुल कितना है? 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब यहाँ पर से सवाल यहाँ पर ये बनता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस क्रम में जो सजा हुआ है, ये एक डिस्टेंस के अनुसार है। मतलब कि क्या हुआ, ये डिस्टेंस के अनुसार है कि सूर्य के सबसे पास में हमारा बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस के अनुसार सजा हुआ है, ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमको यहाँ से बनता है ना कि इस ग्रह के नेचर के बारे में, कि कौन से ग्रह के प्रकृति क्या है, कैसा इसका जो है नेचर है, इसके इससे संबंधित सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो उसी संबंधित सवाल पर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट पेज में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं सूर्य के बारे में। तो सौर प्रणाली की खोज जो है वो किसने किया था? कॉपरनिकस ने। इसको तो एक नंबर में आप याद रखिएगा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। और ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। तो दो तथ्य आपको याद रखना है कि सौर प्रणाली की खोज जो है कॉपरनिकस ने किया था, और ग्रहों के गति का नियम कौन दिया था? केपलर ने, ठीक है। अगर सन के बारे में बात करें, सूर्य के बारे में, सूर्य पृथ्वी का सबसे अधिक निकटतम तारा है। मतलब कि सूर्य भी क्या है? एक प्रकार का तारा है। सबसे पहले आपको समझना है कि तारा जो होते हैं ना, वो सूर्य जो आपको दिखाई देता है, ब्रह्मांड में आपको आकाश में बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो छोटा से छोटा तारा, जो कुछ तारे हैं जो एकदम छोटा दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य जो है इतना बड़ा हमको दिखाई देता है, और उसका रोशनी हमारे धरती पर आता भी है, ठीक है। ऐसा आपने सोचा है? देखिए, वो जितने भी आपको आकाश में तारे दिखाई देते हैं, सब में प्रकाश है, सभी में प्रकाश है, और ग्रह में कोई प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश से ही ग्रह प्रकाशित होता है, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। जो भी 8 ग्रह आप देख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, किसी के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो जितने भी तारे होते हैं आकाश में, सभी के पास में अपना प्रकाश होता है। जो आपको असंख्य तारे जो आसमान में दिखाई देते हैं, छोटे छोटे तारे जो दिखाई देते हैं, उनके पास भी अपना प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश हमारे पृथ्वी तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है बहुत दूर है, ठीक है। मतलब पृथ्वी से उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो छोटे छोटे तारे आकाश में दिखाई देते हैं, उसका डिस्टेंस हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन सूर्य का जो डिस्टेंस है हमारे पृथ्वी से, वो कम है।
इसीलिए सबसे जो इसमें कहा गया कि सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा होता है, सूर्य जो है वह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है और निकट में है, इसीलिए उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव हमको देखने को मिल जाता है और उसका रोशनी भी हमारे धरती पर आ जाता है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब सूर्य के नेचर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जो कि हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व जो है 2.5% इसमें पाया जाता है। सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि सूर्य जो है कैसा गोला है, गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट रहता है, 71% और हीलियम कितना रहता है, 26.5% एवं अन्य तत्व कितने रहते हैं, 2.5%। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है आपको, सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के चार नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इसे जो है उसके बाद में इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अब यहाँ पर आपको चार नाभिक वाला या चार हीलियम मिलकर ये वाला बात नहीं पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछता है कि सूर्य के प्रक्रिया में जो हमारा सूर्य के केंद्र पर कौन सा संलयन के कारण होता है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रकार का गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% एवं अन्य गैस 2.5% पाए जाते हैं और वहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन वाले बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट पर, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। मतलब सूर्य के प्रकाश जो है उसको, जो सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, और इस सूर्य को यहाँ पर मान लीजिए कि धरती है, ये धरती है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसके प्रकाश को जो लगता समय है वो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, सूर्य के काले धब्बे वे स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है। मतलब सूर्य का जो काला धब्बा जो आपको दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर, वहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं, बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या क्या बात आपको याद हुआ, सबसे पहले समझिए, रिवीजन आपको करते चलना है। ठीक है, सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है, सीधी सी बात। उसके बाद में सौरमंडल में कितने सदस्य है, तो सूर्य है और उसके बाद में उसके 8 सदस्य। वो 8ों सदस्य कौन है, तो ग्रह है। ग्रह कौन कौन है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जो कि किसके हिसाब से सजाया गया है, तो डिस्टेंस के हिसाब से सजाया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपसे पूछेगा सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने। ग्रहों का गति नियम किसने दिया था, केपलर ने। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य है। ठीक है, सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है, इसलिए हम कहते हैं सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, लेकिन अन्य तारों का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। क्यों, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा दूर है पृथ्वी से, इसीलिए उसका प्रकाश हमारे यहाँ नहीं पहुंच पाता है। लेकिन सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक में है, इसीलिए मन अन्य तारों की अपेक्षा में नज़दीक में है, इसीलिए उसका प्रकाश हमारे यहाँ पहुँच पाता है और उसका प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर सूर्य की बात करें तो एक गैसीय गोला है, 71% 26.5% 2.5% याद रखिएगा आप लोग, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड, और सूर्य का जो काला धब्बा आता है वो प्रकाश वहां से उत्सर्जित नहीं होता है, इतना बात का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एक एक ग्रह पर चर्चा करते हैं, ग्रह के प्रकृति को देखते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहला जो ग्रह है हमारा वो बुध के बारे में चर्चा करते हैं। बुध के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे निकट है, इसको ध्यान रखना है। यह सौरमंडल में सबसे छोटा जो ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह वो कौन है, बुध है, और सूर्य के सबसे निकट है, यह जो है सूर्य के सबसे निकट है। अभी जो फर्स्ट वाले में हम आपको दिखाए हैं उसमें आपको दिखने को मिल गया, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं ना, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के जस्ट निकट में कौन है, यहाँ पर बुध है। ठीक है, तो सबसे निकटतम तारा सूर्य के डिस्टेंस के हिसाब से कौन है, तो बुध है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वही बात यहाँ पर कह रहा है कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। उसके बाद में इस ग्रह पर दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। मतलब कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर तापांतर, ताप का जो अंतर होता है ना, वो बहुत जो है ज़्यादा और कम, मतलब सबसे ज़्यादा तापांतर वाला ग्रह यहाँ पर ये, ठीक है, गर्म ग्रह में और तापांतर में अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक में है, तो सूर्य के नज़दीक में होने के कारण क्या होता है कि बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है
और बहुत जल्दी ठंड भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि इस ग्रह को, इस ग्रह यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बातें लिखा गया है कि इस ग्रह पर दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी हो जाती है, क्योंकि ताप का जो अंतर है, जो टेम्परेचर का जो अंतर है, वो बहुत ज़्यादा रहता है इस ग्रह पर। किस पर? तो बुध पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम केवल 88 दिनों में करता है। ठीक है, अब आपको बता दें कि सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, तो क्या करता है ना कि इसका परिक्रमा जो है आठों ग्रह करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये आठों ग्रह। मान लीजिए ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है, ये आठों ग्रह बुध का परिक्रमा, सूर्य का परिक्रमा करते हैं। क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य जो है सौर मंडल का मुखिया है, तो मुखिया का जो जो हमारे परिवार का प्रधान होता है उसका परिक्रमा सभी अन्य सदस्य करते हैं। तो उसी तरह अन्य सदस्य आठ है, तो सूर्य का परिक्रमा वो आठों सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और ये जो आपको बता दें कि यहाँ पर आप सबका परिक्रमा का अलग अलग समय होता है, तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन में करने वाला जो एक ग्रह है वो 88 दिन में ही परिक्रमा को पूरा कर लेता है, क्योंकि सबसे नज़दीक में है, और नज़दीक में है तो जल्दी जल्दी राउंड मार लेता है, इसीलिए 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए इस पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जीवन जीना संभव नहीं है। और इसमें कहा गया कि इस ग्रह पर कोई उपग्रह नहीं है, यहाँ पर जो है कोई उपग्रह भी नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, आपको बता दें। और बुध, अब कहिएगा कि सर उपग्रह किसे कहते हैं, तो आप सिंपल सी बात आप याद रखिएगा, यहाँ पर सूर्य है और सूर्य को जो चक्कर लगाने वाले उसको क्या कहें, ग्रह, और ग्रह को जो चक्कर लगाएगा उसे कहेंगे हम उपग्रह, सीधी सी बात है ना। तो सूर्य के साथ में कितना उपग्रह है, तो आठ उपग्रह है, और उन फिर ग्रहों का फिर उपग्रह है। अब जब आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कौन कौन से उपग्रह किसका है, तो ये चीज़ें आपको आगे हम बताते हैं, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, अब आते हैं हम लोग शुक्र पर, शुक्र की बात करते हैं, शुक्र के बारे में क्या कहा गया, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है, या शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। अब यहाँ पर पृथ्वी का कैसे निकट ग्रह है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दूरी के अनुसार अभी सजाया गया था बुध शुक्र, ऐसे हम आपको स्लाइड में बता ही देते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह, यहाँ पर देखिए पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन है बताइएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे निकट ग्रह कौन सा हो गया, शुक्र हो गया कि नहीं, देखिए यहाँ पर हमारा, यहाँ पर बुध है और यहाँ पर शुक्र है और यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर मंगल है, तो ये हो गया पृथ्वी, ठीक है, तो ये हो गया पृथ्वी, तो शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछेगा कि अगर पृथ्वी के अगल बगल में कौन से ग्रह है, तो इधर पड़ता है हमारा शुक्र और इधर पड़ता है हमारा मंगल। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कहता है, शुक्र के बारे में, पृथ्वी सबसे निकट ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है, शुक्र है, पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह यही है, याद रखिएगा, शुक्र को जो है पूरे सौर मंडल में जितने भी सोलर सिस्टम में जो ग्रह है आठों ग्रह में सबसे चमकीला जो ग्रह है वह है कौन, हमारा शुक्र है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल आपको जरूर पूछे जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, सूर्य अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर लगाता है, इसीलिए इनका सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त जो है पूरब की तरफ होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य अन्य ग्रहों के विपरीत, मतलब कि अन्य ग्रह जो होते हैं, अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम लगाता है, पूरब से पश्चिम लगाता है यह परिक्रमा, लेकिन जो अन्य ग्रह है वो हमारा पश्चिम से पूरब की तरफ लगाता है, थोड़ा सा इसका उल्टा है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, कहा गया है इसीलिए ग्रह को इवनिंग स्टार, इस ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। इस ग्रह को हम लोग अगर मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के बारे में कहें, तो बोलते हैं ना साँझ का तारा, भोर का तारा, तो साँझ का तारा आप कहिए तब, या भोर का तारा कहिए तब, या सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कहिए तब, सब शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिएगा, आकार और घनत्व में पृथ्वी समान होता है। ठीक है, आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान है, अगर हम लोग आकार की बात करें या डेंसिटी की बात करें तो ये पूरा पूरा पृथ्वी के समान है, कौन, शुक्र। ठीक है, उसके बाद में कहता है इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, अर्थ ट्विन मतलब पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, अर्थ सिस्टर मतलब पृथ्वी की बहन, देखिए पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, ये सब शुक्र को क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा जो है ना लगभग लगभग जो है आकार में कहे तब या डेंसिटी घनत्व में कहे तब सब पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको कहा जाता है जुड़वा ग्रह,
इसीलिए कहा जाता है पृथ्वी की बहन। ये सब नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये शुक्र की, क्योंकि यह पृथ्वी की तरह ही, मतलब इसका आकार है, डेंसिटी वगैरह वगैरह सब उसी की तरह है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, इसमें कहता है इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, और इस ग्रह के वायुमंडल में 95% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन है। इस बात को अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CO2 की मात्रा जो है आपको शुक्र पर लगभग 95%, और अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन लगभग 3.5% पाया जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यह सोचना है कि शुक्र के बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है बस आपको याद रखना है, सबसे गर्म ग्रह की बात हो गया, ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हो गया, सबसे चमकीला ग्रह हो गया, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में याद रखना है इवनिंग स्टार, मतलब सांझ का तारा, भोर का तारा इसे ही कहते हैं। आकार एवं घनत्व में पृथ्वी के समान दिखता है, ठीक है, इसे हम लोग जो है पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहें, पृथ्वी के बहन कहें, सब इसको शुक्र के ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के आकार और घनत्व के समान है, इसलिए हम इसे कहते हैं। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं होता है, जैसा कि हमने बताया ना कि बुध के पास में कोई उपग्रह नहीं है, तो शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, इसीलिए पूरे सोलर सिस्टम में जो हमारा बुध और शुक्र जो दो ग्रह है, इन दोनों के पास में कोई उपग्रह नहीं है। और अभी हमने बताया उपग्रह किसे कहते हैं, तो हमने बताया कि सूर्य के जो परिक्रमा लगाने वाले उसे हम ग्रह कहेंगे, और ग्रह का जो परिक्रमा करे उसे हम उपग्रह कहेंगे, ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा शुक्र के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ पर वायुमंडल में लगभग 95% शुक्र पर 95% जो है CO2 की मात्रा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की नाइट्रोजन की मात्रा जो है 3.5% है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं हम लोग पृथ्वी पर। हम लोग बात किए बुध पर, शुक्र पर, दो ग्रह पर बात कर ली, और तीसरा जो ग्रह हमारे सामने वो है पृथ्वी, अर्थ। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में 43 किलोमीटर का अंतर है, और यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, ये लाइन को पूरा कर लीजिएगा। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है, यहाँ पर लिख दीजिएगा जहाँ जीवन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, यहाँ पर छूट गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, इसको भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अपने अक्ष की बात करें तो अपने अक्ष पर ये कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, या अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर, जैसा कि हमने बताया जो अन्य जो भी ग्रह है ना वो सारे जो है पश्चिम से पूरब की तरफ ही गति करता है, बल्कि शुक्र के बारे में हमने उस समय बताया है कि वह जो है पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है, और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है, ठीक है। और इसी अक्षीय गति के कारण, ये क्या है, अक्ष पर घूमना का मतलब क्या हुआ, अक्ष पर घूमने का मतलब होता है अक्षीय गति, ठीक है, और इसी अक्षीय गति के कारण, ये पृथ्वी का जो अक्षीय गति है, इसी अक्षीय गति के कारण हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होता है, ठीक है, दिन और रात होता है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया जो एक बार घूमने में उसको लगता समय है ना पूरे, वो अपने अक्ष का चक्कर कितना देर में लगाती है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में लगाती है, इतना बात आप ध्यान रखेंगे, लगभग 24 घंटा हो जाता है ना, तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है, इसीलिए इसको अक्षीय गति। अब आपसे कोई पूछेगा कि सर ये बताइए कि पृथ्वी पर जो दिन रात होता है वो किस पृथ्वी के किस गति के कारण होता है, तो आप कहिएगा वह अक्षीय गति के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि वह अपने अक्ष पर घूमता है, और अक्ष में घूमना और कक्ष में घूमना दोनों में अंतर होता है। अक्ष का मतलब ये होता है कि आपका जो केंद्र बिंदु है उस पर घूमना, ठीक है, और कक्षा में घूमने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर कोई है और इसका चक्कर लगाना, ये हो गया कक्षीय चाल, लेकिन आप अपने केंद्र पर ही घूमना क्या कहलाएगा, ये हमारा अक्षीय चाल कहलाएगा, है ना। तो पृथ्वी पर जो दिन रात होता है ना वो अक्षीय गति के कारण होता है, इसमें लिखा हो गया स्पष्ट, अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है और 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड उसको समय लगता है, मतलब दिन रात जो होता है हमारे पृथ्वी पर वो किसके कारण होता है, पृथ्वी के अक्षीय गति के कारण होता है, वो अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जल की उपस्थिति के कारण इसे हम नीला ग्रह कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जल का इतना ज़्यादा उपस्थिति है कि इसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। लगभग आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर 70% अभी आपको बता रहे हैं 71% लगभग जो है जल की मात्रा है, और 29% जो है स्थल है, आपको पता भी होगा। तो जल का इतना ज़्यादा अधिकता है यहाँ पर कि मतलब कि इसे हम नीला ग्रह कहते हैं, और आपको तो पता है, लेकिन आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर 71% जल है, फिर भी जो है जल की कमी हमारे पृथ्वी पर है, इसके पीछे कारण है जो आपको 71% जो जल है, मतलब मान लीजिए कि 100%
100% में 71% जो जल है। अब 71% को ही 100% माना जाएगा तो समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जितना भी जल है, पृथ्वी पर जितना भी जल है उसमें से 97% जो है हमारा महासागरीय जल है, जो कि बिल्कुल नमकीन है, नमक वाला है पानी, जिसको हम पी नहीं सकते, जिसको आप हम यूज नहीं कर सकते। बच गया मात्र 2 से 2.5% ही हमारे पृथ्वी पर जल है जिसको हम लोग पीने युक्त है हमारे लिए, ठीक है, मात्र 2 से 2.5%, ठीक है, जो पीने युक्त है, ठीक है, जिसको हम लोग पी सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जल की कमी कितना ज़्यादा है। जल होते हुए भी हमारे पास जल नहीं है, क्यों? क्योंकि महासागरीय जल यहाँ पर ज़्यादा है। खैर, इतना बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए जल का हमेशा हमको बचत करना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है हमारा? चंद्रमा। अब हमने आपको बताया उपग्रह क्या होता है, ग्रह को गति जो लगाएगा, ग्रह का जो परिक्रमा करता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी के परिक्रमा करने वाला एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा क्या है? एक प्रकार का उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का, ध्यान रखिएगा बात। और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जल की उपस्थिति बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। अगर पृथ्वी से अगर हम लोग चंद्रमा को देखते हैं तो मात्र जो है हमारा 59% भाग ही उसका दिखाई देता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। पृथ्वी से सूर्य का परिक्रमा पूरा करने में, यहाँ पर देखिए अब बात कर रहा है यहाँ पर परिक्रमा, परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं, मतलब कि 365 दिन लगभग 6 सेकंड कह सकते हैं। 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड हुआ तो इसको लगभग में हम 365 दिन 6 घंटे कह सकते हैं, समय लगता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर, अब इसी के कारण जो है ना ऋतु परिवर्तन होता है, जो ऋतु परिवर्तन की बात होती है हमारे पृथ्वी पर वो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही होता है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना, परिक्रमण के कारण ही होता है, क्योंकि परिक्रमण गति जब पृथ्वी करता है, मतलब कि सूर्य का जो परिक्रमा करता है ना, अब पृथ्वी किसका परिक्रमा करता है? तो सूर्य का, सूर्य तो सौरमंडल का हेड होता है, तो इसी का परिक्रमा करता है पृथ्वी, और इस परिक्रमा के कारण हमारे पृथ्वी पर क्या होते हैं, हमारे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, जाड़ा गर्मी मौसम ठंडा बरसात ये सब आता है ना, तो ये सब किसके कारण होता है? ये सब पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है, ठीक है। अगर उसके बारे में कहा कि एक जो है परिक्रमा एक चक्कर को पूरा करने में 365 दिन उसको 6 घंटा का लग जाता है, 365 दिन 6 घंटे समय उसको लग जाता है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए क्या होता है ना कि ये 6 घंटा जो है, देखिए अब 365 दिन एक साल कितना का दिन का होता है? एक साल जो होता है आप सभी जानते हैं कि एक साल जो है हमारा 365 दिन का होता है ना, तो यहाँ पर 23 घंटे उसको 23 घंटे जो है 23 घंटे और उसको कितना मिनट समय लग जाता है? 365 दिन और 6 घंटे का समय लग जाता है, तो ये 6-6 घंटा जो है ना प्रत्येक साल। अब 365 दिन तो आपको पता है कि हाँ एक वर्ष में होगा, है ना, लेकिन ये 6 घंटा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो यही 6 घंटा प्रत्येक साल में बढ़ते रहता है। मान लीजिए पहला साल में 6 घंटा ये भरा, दूसरा साल में 6 घंटा ये भरा, तीसरे साल में 6 घंटा ये भरा और चौथे साल में 6 घंटा ये भरा, तो ये पूरा 6-6 घंटा मिला करके जब 6-4 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा, और 24 घंटा होने का मतलब हो गया कि एक दिन वह हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक चार साल के बाद, देखिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, प्रत्येक 4 साल के बाद में लीप ईयर हो जाता है और फरवरी महीना जो है हमारा 28 की जगह 29 दिन का हो जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जब पृथ्वी एक गति लगा एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगाता है, तो वह 6 घंटे कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है जो प्रत्येक साल उसमें जुटते जाता है और 4 साल के बाद में वह 24 घंटा के रूप में बदल जाता है। और जैसे ही वह 24 घंटा के रूप में बदलता है तो समझिए कि वह एक दिन के बराबर हो जाता है, और एक दिन के बराबर होने का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक 4 साल पर एक दिन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, देखिएगा, सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर है, इसको भी आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक चमकीला तारा का नाम क्या है? साइरस है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डॉग स्टार के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कहता है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है जिसके कारण सूर्य से इसके बीच की दूरी बदलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर ना, यहाँ पर अब आप सीधा कहें कि इस तरह से एकदम बिल्कुल गोल हो तो ये नहीं है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से है ना, कुछ इस प्रकार से गति करने का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या होते हैं ना
कि दिन रात की अवधि जो है कभी कभी चेंजेज हो जाता है, वो सब परिक्रमण के कारण ही होता है। आपने कभी सोचा है कि ठंड के दिनों में जो है हमारा रात बड़ा हो जाता है और दिन छोटा हो जाता है, जबकि गर्मी के दिनों में क्या हो जाता है, दिन हमारा बड़ा हो जाता है और रात छोटा हो जाता है। वो सब परिक्रमण गति के कारण ही होता है। क्यों? क्योंकि होता क्या, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है। अब इसमें जो है क्या होता है कि जब बीचों बीच ये जो है ना, तो ये हमने आपको पहले ही बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अब 23.5 डिग्री पर झुकी होने का मतलब, अगर ये सीधा रहता ना, ये लाइन जो आपको टेढ़ा है ना थोड़ा सा, ये लाइन, ठीक है, अगर ये मान लीजिए कि ऐसे हम एक गोला बना रहे, अगर ये लाइन ऐसे रहता, ठीक है, ऐसे रहता, तो एकदम ना आपको समझ में, देखिए हम एक दूसरा फिगर आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक मान लीजिए कि एक गोला हम ऐसे दिए, ठीक है, और एक गोला में कुछ लाइन मेरा 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, और दूसरा गोला जो हम आपको यहाँ पर दिए, ठीक है, इसमें लाइन बिल्कुल हमारा सीधा सीधा है, ठीक है। अगर ये देखिएगा, अगर यहाँ पर ये लाइन हम जो है डालते हैं, ये लाइन डालते हैं, ठीक है, ये लाइन डाल दिए और दूसरा लाइन हम लोग जो है यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। अब इस फिगर में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पर देखिए, जितना भाग इधर है, जितना भाग इधर है, जितना भाग इधर, जितना भाग इधर, जितना भाग इधर, जितना भाग इधर, मतलब समान भाग है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ नहीं रहता तो दिन रात हमारा सेम रहता, कोई जारा गर्मी में नहीं होता कि हाँ दिन बड़ा हो गया, रात छोटा हो गया, रात बड़ा हो गया, दिन छोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता अगर 23.5 डिग्री पर हमारा पृथ्वी झुका हुआ नहीं रहता तो। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि यह पूरा सीधा लाइन नहीं है, बल्कि इस तरह से 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। तो होता क्या, अब इसमें देखिए, इस खंड में देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया तो ये बड़ा हो गया, फिर ये छोटा हो गया तो फिर ये बड़ा हो गया, फिर ये देखिए छोटा हो गया तो फिर ये बड़ा हो गया, मतलब कहीं ना कहीं अंतर आना। तो यही होता है कि जब मान लीजिए कि जिस समय ये साइड वाला बड़ा है तो समझिए कि दिन का समय जो है बड़ा हो जाएगा और रात का समय छोटा होगा, लेकिन 24 घंटा में ही सबको बांटना है ना, तो 24 घंटा में ही सबको बांटना है, इसका मतलब क्या समझे, अगर मान लीजिए कि इस तरह से है और इस तरह है, ठीक है, और 24 घंटा में ही बांटना है, तो मान लीजिए कि यह 10 घंटा का हो जाएगा दिन, तो 14 घंटा का ऑटोमेटिक रात हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, रात बड़ा हो गया और दिन छोटा हो गया, है कि नहीं। अब उसके बाद में अगर बात करें, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम दे दिए कि अगर 12 घंटे का जो है, मान लीजिए कि 16 घंटे का आपको जो है रात हो गया, तो 16 घंटे का रात हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 8 24, तो 8 घंटा का ही हमारा दिन होगा, क्योंकि 24 घंटा में ही बांटना है ना। अगर वहीं ये हमारा 23.5 डिग्री पर झुका हुआ नहीं रहता अक्ष पर अपने, तो समझिए कि पूरा बराबर होता दिन और रात, ठीक है, इस बात को भी आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अधिकतम दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर 4 जुलाई को, इसमें यही बात बताया कि सबसे ज़्यादा दूरी जो है पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा दिन होता है कब, 15.21 करोड़ किलोमीटर 4 जुलाई को हो जाता है, और सबसे निम्नतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर जो है आपको 3 जनवरी को हो जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है सबसे ज़्यादा दूरी, अधिकतम दूरी कब होता है, तो 4 जुलाई को, और उसके बाद में अगर पूछा है कि सबसे न्यूनतम दूरी कब होता है, तो 3 जनवरी को, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछता है कि खगोलीय दूरी मतलब किसके किसके बीच की दूरी को कहा जाता है, तो आप याद रखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम लोग खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, मंगल की बात करें तो इसे लाल ग्रह कहते हैं, और आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है हमारा लाल होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, और आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के समान ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ, इसी यहाँ 25 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो 25 डिग्री जो है यहाँ पर झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन जो है संभव है, ऋतु परिवर्तन यहाँ पर होता है, किस पर, मंगल ग्रह पर, जिसको हम लोग मार्स भी कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस पाई जाती है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और मंगल का दो उपग्रह हमने अभी बताया आपको कि जो ग्रह का परिक्रमा करता है उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, फोबोस और डिबोस, ठीक है, ये दोनों जो है क्या है बताइएगा, मंगल का उपग्रह है, इस बात को भी आप ध्यान रखना है। उसके बाद में डिमोस के बारे में एक बात कहा है कि डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है,
मतलब सौर मंडल में जितने भी उपग्रह हैं ना, उस सब में छोटा उपग्रह जो है वो हमारा कौन है, डिमोस है, इस बात को भी आप ध्यान रखना है। और मंगल के अगर बारे में पूछा है कि मंगल के कौन से दो उपग्रह है, तो आप बोल दीजिएगा फोबोस और डिमोस। अगर आपसे कोई पूछा है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। अगर आपसे पूछा है कि लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, मंगल को क्यों कहा जाता है, तो आप बोलिए कि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है, ये बात भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मेसी, ठीक है, ओलंपस मेसी जो है, और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट है, 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओलंपस मेसी, ठीक है, ओलंपस मेसी, और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसको हम लोग निक्स ओलंपिया कहते हैं, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि समझिए कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, ठीक है। और ये दोनों जो है कहाँ पर उपस्थित है, तो मंगल ग्रह पर ही उपस्थित है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, बृहस्पति के बारे में बात आती है। बृहस्पति के बारे में क्या कहते हैं, देखिए अब उसके बाद में कहते हैं यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, यह मुख्यतः गैस और द्रव्य से मिलकर बना है, इसीलिए बृहस्पति में ठोस की कमी है और पर इसके उपग्रह ठोस पिंड है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति उपग्रहों की संख्या सौर मंडल में सबसे अधिक है, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या जो है सौर मंडल में सबसे अधिक है, इसमें सबसे बड़ा उपग्रह जो है यह जो है हमारा गैनीमेड है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पूछा जाता है कि बताइए सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह किसका है, तो आप कहिएगा मंगल का, जिसको हम बोले ना डिमोस। और अगर आपसे पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे जो है बड़ा ग्रह किसका है, तो आप बोलिएगा बृहस्पति का, जिसका नाम क्या है, गैनीमेड, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सभी ग्रहों में से इसकी जो है रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है और बहुत तेज़ी से जो है ये अपना ये करता है, और रोटेशन स्पीड अगर आपको हम बता दें तो 10 घंटे और इसे जो है सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। रोटेशन स्पीड का मतलब ये हुआ कि वो अपने अक्ष पर, सभी ग्रह पहले अपने अक्ष का अक्ष पर घूमता है, उसके बाद में वो कक्षीय गति करता है, दोनों गति वो करता है, ठीक है। अब अपने स्थान पर घूमना, जैसे मान लो कि ये बिंदु आपको दिखाई देना, तो इस पर घूमना अपना अक्षीय है, ठीक है, लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाएगा, परिक्रमण या कक्षीय गति कहलाएगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ कि एक परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय, मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने में बृहस्पति को कितना वर्ष का समय लग जाता है, 12 वर्ष का समय लग जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं, इसको भी याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे अगर पूछेगा कि बताइए क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो आप कहिएगा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में है जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और सबसे पहला जो क्षुद्र ग्रह है वो क्या है, बताइएगा सीरस है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहला जो है क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है क्या, बताइएगा सीरस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं, अब आते हैं शनि पर। शनि के बारे में कहा गया कि यह आकार में सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि यह आकार में सबसे बड़ा और दूसरा ग्रह है, और उसके बाद में सबसे बड़ा दूसरा ग्रह का मतलब सबसे बड़ा ग्रह जो हमारा बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद हमारा शनि हो जाता है। इस ग्रह की विशेषता इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसको हम लोग वलय कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है कि वलय युक्त ग्रह कौन सा है, तो आप बता दीजिएगा कि शनि है। इसमें इन वलयों की संख्या जो है कितना है, 7 है, और इनकी खोज जो है किसने किया था, गैलीलियो ने की थी, इसको भी याद रखें कि वलयों की संख्या हमारा 7 है, और वलयों की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी, ये भी बात ध्यान रखें, गैलीलियो वैज्ञानिक का नाम है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है कौन है, हमारा टाइटन है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना ये बातें कि पूरे ग्रह में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो किसका है, बताइएगा बृहस्पति का, ठीक है, अभी हमने बताया है, और सबसे छोटा किसका है, मंगल का, जो सौर मंडल का सबसे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, टाइटन है, लेकिन सबसे पहला कौन हो जाएगा, बृहस्पति का जो उपग्रह था, जिसको गैनीमेड कहते हैं, अभी हम आपको बताया, इसमें बृहस्पति का जो सबसे जो है उपग्रह था, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको गैनीमेड, ये प्रथम में आता है सबसे बड़ा में, उसके बाद दूसरा में आता है हमारा शनि का उपग्रह, जिसको हम लोग टाइटन कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, जो सौर मंडल का सबसे दूसरा, ठीक है, इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, इसको भी ये ध्यान रखना है, इसका डेंसिटी बहुत कम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करें, इसका डेंसिटी इतना ज़्यादा कम होता है कि ये तैरता हुआ प्रतीत होता है, आपको पता भी होगा, इसलिए तैरता हुआ ग्रह भी इसको हम लोग कह देते हैं, शनि को, ठीक है।
क्योंकि डेंसिटी जिसका कम होता है ना वो तैरने लगता है। शनि जो है सैटर्न जो है आपको ये इसका घनत्व इतना डेंसिटी इतना ज़्यादा कम होता है कि तैरता हुआ ग्रह इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अरुण पर, अरुण की बात करते हैं जिसको हम लोग यूरेनस कहते हैं। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा तीसरा ग्रह है। ठीक है, तीसरा ग्रह है तो पहला और दूसरा कौन है बताइएगा। पहला हमारा कौन हो जाएगा बृहस्पति, दूसरा हो जाएगा शनि, और तब जो है तीसरा नंबर पर हमारा हो जाता है अरुण। बड़ा में साइज के हिसाब से बात कर रहा है। यह भी सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है। एक ये और एक हम लोग बात किए हैं शुक्र का, ये दोनों दोनों थोड़ा सा दोनों का काम थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, ये शुक्र की बात किए हैं और इसका जो है अरुण की बात की है, दोनों का जो है उल्टा है। सभी ग्रह होते हैं क्या है ना कि पश्चिम से पूरब की ओर अपना परिक्रमा करता है, लेकिन ये दोनों जो है अपना पूरब से पश्चिम की तरफ करता है। ठीक है, जैसा कि अभी देखिए आपको शुक्र के बारे में यहाँ पर जब हम पढ़ाए हैं तो आपको इसमें बताए भी हैं। देखिए सूर्य के बारे शुक्र के बारे में यहाँ पर देखिए दिख रहा है ना, विपरीत शुक्र के बारे में पूरब से पश्चिम। ठीक है ना, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना पूरब से पश्चिम, देखिए पूरब से पश्चिम इसका भी है शुक्र का भी है, और पूरब से पश्चिम हमारा किसका है अरुण का भी है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं पूरब से पश्चिम। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये दोनों अरुण और शुक्र का जो है उल्टा करता है, पूरब से पश्चिम कर, बाकी अन्य जो ग्रह होते हैं ना वो पश्चिम से पूरब की तरफ अपना परिक्रमा करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। यह अपनी धुरी पर इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी बुलाया जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा आप, इसको ध्यान रखिएगा आप कि इसे लेटा ग्रह के भी नाम से जानता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहेंगे हम लोग, अरुण को कहेंगे। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह जो है हम लोग अरुण के कहते हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हुआ ना तो आप याद रखें, अरुण नाम का कोई भी गांव में आपके अगल बगल में आपको एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा अरुण, और अरुण हमेशा लेटा हुआ रहता है। ठीक है, अरुण हमेशा सोया हुआ रहता है, हमेशा लेटा हुआ रहता है, इसीलिए बस इस साइड से आप ध्यान रखिएगा कि अरुण हमेशा सोया हुआ रहता है, हमेशा लेटा हुआ रहता है, इसीलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखें नेक्स्ट पॉइंट, इसके वायुमंडल में मीथेन का मात्रा सबसे ज़्यादा उपस्थित है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है अरुण में। ठीक है, बहुत ज़्यादा उपस्थित है। अगर हम यहाँ पर आपसे सवाल करें कि शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा वीडियो खत्म हो जाने के बाद, शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये बात आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप हम लोग वरुण पर आते हैं। ठीक है, नेपच्यून के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। ठीक है, यह हरे रंग का ग्रह है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि यह जो है वरुण की बात कर रहा है, वरुण जो है हरे रंग का ग्रह है, इसको ध्यान रखिएगा, और यह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, अभी हमने बताया ना आपको, पहली जब पहला स्लाइड जब आपके सामने था तो उसमें बताए थे ना कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, तो वरुण हमारा सबसे लास्ट में था ना, तो इसीलिए कहा गया कि सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित है। मीथेन की मात्रा अधिक होने पर इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मीथेन की मात्रा काफ़ी अधिक है और इसके कारण ये जो है हरा दिखाई देता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमने आठों ग्रह को जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, फालतू की चीज़ें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ से आपको सवाल पूछा जाए वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो हमने आठों ग्रह के बारे में जो है चर्चा कर दिया है, और अब आपका कर्तव्य यह बनता है कि आप जो है अब सवाल का जवाब देते जाइएगा। सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सवाल की, तो यहाँ पर आप बताइएगा कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो हमने अभी बताया। ठीक है, ग्रहों के गति का नियम खोज किया था केपलर, लेकिन सौर प्रणाली की खोज किसने किया था, कोपरनिकस ने। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा बताइए, कोपरनिकस होगा। ठीक है, ये हो गया एक नंबर सवाल। ठीक है, एक नंबर सवाल ये हो गया। चलिए, तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, हमने अभी बताया यहाँ पर ग्रह है। अब देखिए सूर्य का जो परिक्रमा करेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, ग्रह, और ग्रह का जो परिक्रमा करेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, उपग्रह, हमने अभी बताया आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, किसी ग्रह के चारों ओर, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं, अभी हमने उसमें बताया है कि छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उपग्रह, जिसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं इंग्लिश में, है ना, तो यहाँ पर ग्रहों का जो परिक्रमा करेगा उसे हम उपग्रह कहेंगे, और जो सूर्य का परिक्रमा करेगा उसे हम ग्रह कहेंगे, ध्यान रखना है आपको। और सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, तो शुक्र होता है। अगर आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस के हिसाब से सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो आप कहिएगा बुध, और अगर आपसे साइज में भी पूछेगा तो आप कहिएगा बुध। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं बताइए, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है बताइए। अब तो आप आसानी से बता देंगे ना, तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। ठीक है, हमने बताया कि पहले जो है 9 था, लेकिन अब जो है ग्रहों की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया है, क्योंकि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर डाले नहीं है, क्वेश्चन नंबर डाल दे रहे हैं ताकि आपको कोई क्वेश्चन हम पूछेंगे तो आप उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हुआ, ठीक है, और उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। ठीक है, सबका उत्तर हम बताते जा रहे हैं, और ये अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। निम्नलिखित में से किसके बीच, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अभी हमने बताया किसके बीच की औसत दूरी को हम लोग खगोलीय एकक के नाम से जानते हैं। तो बताइए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में था क्या, नहीं। ठीक है, बृहस्पति और सूर्य के बीच में था क्या, नहीं। प्लूटो और सूर्य के बीच में था क्या, नहीं। लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी होता है उसी को हम लोग खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सूर्य में काला धब्बा क्या है। काला धब्बा के बारे में भी हमने आपको बताया। ठीक है, अगर आप सेशन देखे होंगे पूरा तो क्वेश्चन आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सूर्य में काला धब्बा क्या होता है, तो काला धब्बा के बारे में हमने बताया कि सूर्य में एक बड़ा काला छेद, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा का स्रोत, धब्बे के वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ये भी बात हम आपको बताए हैं, वो धब्बे का वो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, वहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। ये बात हमने थ्योरी में आपको अभी भी पढ़ाया है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आप में। ठीक है, ज्योग्राफी में ये सब ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपको बहुत नॉर्मली क्वेश्चन आपसे दो से तीन नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। अगर एक सेशन को आप देख लेते हैं 35 से 40 मिनट को, तो आराम से 2-3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद में कहता है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो अभी हमने बताया हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन जो होता है कितना प्रतिशत होता है, 71%, और हीलियम जो होता है वो हमारा कितना होता है बताइएगा, अभी हमने उस समय बताया है। ठीक है, 26%। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं 71% हाइड्रोजन की मात्रा हमने बताया। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ टर्म की बात करते हैं, तो आपको सवाल का जवाब देना है कि हाइड्रोजन में जो सूर्य में जो होता है वो अन्य गैस की मात्रा कितना प्रतिशत होता है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा हमको। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो आपका सही जो उत्तर होता है वो हमारा कितना होता है, हाइड्रोजन 71% पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। अब तारा के बारे में देखिए, अब शुक्र तो हमारा ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है। ठीक है, और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा उपग्रह है। किसका उपग्रह है बताइए, चंद्रमा किसका उपग्रह है, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चंद्रमा जो है किसका उपग्रह है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में आपको देना है। सभी को जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सभी का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। पहले आप पढ़ रहे हैं वीडियो तो आप कॉपी पर लिख लीजिए कि हमको ये जवाब लिखना है, उसके बाद कमेंट में जरूर डालिएगा ताकि हमको पता लगे कि आप सक्रिय हैं हमारे पढ़ाई के लिए, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, आप एक्टिव होकर पढ़ रही हैं, तब ये चीज़ें हमको जो है आगे फिर काम करने का हमको मोटिवेशन मिलेगा। और आप नहीं जवाब देंगी तो कुछ कोई फायदा नहीं है, नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं है, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, तो तारे के बारे में हमने बताया ना कि सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है, बल्कि अन्य तारे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पृथ्वी से दूर है, इसीलिए उसका प्रकाश हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक इसलिए पहुँच पाता है क्योंकि सूर्य पृथ्वी से नज़दीक है। ठीक है, तो तारा के श्रेणी में हम लोग सूर्य को रख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा पाया जाता है। तो बताइए आप ही बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन के अलावा कौन है हमारा, हीलियम है। ठीक है, आपको हम अभी बताएं 71% और 26% की बात हम किए हैं हीलियम की, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा कौन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ये भी क्वेश्चन हम आपको बताएं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम आपको बताएं, 8 मिनट और 3 सेकंड लगभग लगता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, लगभग आपको कभी कभी 8 मिनट भी दे देगा, लगभग लगभग। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स में चलते रहता है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, बस 8 मिनट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन है। अब यहाँ पर सूर्य है,
ठीक है, यहाँ पर सूर्य सबसे पहले वाला स्लाइड में हमने आपको बताया था, सूर्य के सबसे पास वाला, ठीक है, पास वाला कौन था हमारा, बुध था, सबसे पास वाला कौन था, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आठ ग्रह हो गए ना। तो सूर्य का सबसे पास का ग्रह कौन हो जाएगा, सूर्य का सबसे पास का ग्रह हो जाएगा हमारा बुध, सूर्य का सबसे पास का ग्रह कौन हो जाएगा, बुध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है, हमने अभी आपको बताया है 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करने वाले कौन है, बताइएगा, बुध, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा बुध, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बुध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। अब हम आपको दो ऐसा उपग्रह का नाम बताएं अभी थ्योरी में जिसके पास में कोई भी उपग्रह नहीं है, दो ऐसे ग्रह का हमने नाम आपको बताया है थ्योरी में जिसके पास में कोई भी उपग्रह नहीं है, और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, वीडियो देखिए उसमें हम आपको बताएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, आपको खुद बताना है। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने आपको बताया इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी के बहन, जुड़वा बहन वगैरह वगैरह जितने भी, ये सब जो है किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर दो के साथ में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर कम समय में लगाता है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है, बताइए, अभी हमने बताया यहाँ पर सूर्य है और सूर्य के सबसे पास वाला कौन है, बुध, बुध जो है 88 दिन में ही पूरा कर लेता है अपना ग्रह, इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, हमारा बुध हो जाएगा, ये सही उत्तर बुध, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक के साथ में जाएंगे, ठीक है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, अभी भी बात हम आपको बताए हैं, और इसका भी जवाब हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, इसका जवाब भी हम आपको नहीं बताएं क्योंकि थ्योरी में हमने पढ़ाया है, आपको बताया समझाया है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कुछ चीज़ें जवाब देने का, जब आपने पढ़ा है तो जवाब दीजिए, हमने बताया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट मतलब ब्लू ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है, नीला ग्रह जिसको हम लोग कहते हैं, तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है, और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, इसका जवाब भी हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए कि ये आप पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, सभी का जवाब हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, हम सब का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें, तो आपको हमारे सवाल का जवाब देना होगा, ठीक है। अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो हम आगे वीडियो क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, तो फिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ध्यान रखेंगे इस बात का। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, ठीक है, अब ये भी बात हम आपको बताएं, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो कौन है, हमारा बुध है, ठीक है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भ्रमण गति कितना है, बताइए, अब इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, भ्रमण गति के बारे में भी हमने बताया, ठीक है। तो निश्चित रूप से इतना सवाल हम आपको बताए हैं, और इतना सवाल करने के बाद में हम देखिए, सबसे पहले आपको हम टॉपिक पढ़ा दिए और उस टॉपिक से संबंधित फिर सवाल हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप थ्योरी को समझिए, थ्योरी को देखने के बाद तब आप सवाल को बना पाएंगे, और जितने भी सवाल हम आपसे पूछें उसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, तभी हम आगे के वीडियो को बना पाएंगे। अगर आप चाहते हैं, ये आपके हाथ में है कि हम वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं, आपका तैयारी हम कराएं या नहीं कराएं, ये आपके हाथ में, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल ईजिली करा देंगे, आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करते हैं आपका ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।